हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो का पर्पस है, जो गीज़र में वायरिंग की जाती है उसमें अगर आप थर्मोस्टेट या हीटिंग एलिमेंट को चेंज करते हैं तो इस वीडियो को देख के आप आसानी से कनेक्शन उसके कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एक गीज़र में कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं। तो जैसा कि आप देखते होंगे, गीज़र में प्लग टॉप होता है जिसके थ्रू क्या होता है, सप्लाई जाता है। इसके साथ उसको हीटिंग कंट्रोल करने के लिए उसमें एक थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है, और हीटिंग उत्पन्न करने के लिए एक एलिमेंट को लगाया जाता है, हीटिंग एलिमेंट के नाम से उसको जानते हैं। और वहाँ पे सप्लाई प्रेजेंट और कट ऑफ के लिए दो इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक रेड और एक ग्रीन होता है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके पास ये प्लग टॉप है, इस प्लग टॉप से हम क्या करते हैं, पहले न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेते हैं। ये जानते हैं न्यूट्रल कहाँ कहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस प्लग टॉप से न्यूट्रल को निकाल के इस हीटिंग एलिमेंट पे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ इस हीटिंग एलिमेंट से हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल को इस इंडिकेटर में कनेक्ट कर देते हैं। जब आपका न्यूट्रल दोनों जगह कनेक्ट हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करते हैं, फेस को कनेक्शन की तरफ ले जाते हैं। अब प्लग टॉप से जो उसमें रेड वायर है, ये फेस वायर होता है, इस प्लग टॉप से हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट पे हम क्या करेंगे, ले जाएंगे या कनेक्शन करते हैं। थर्मोस्टेट के दूसरे वाले सिरे पे क्या करते हैं, वहाँ से आउटपुट निकाल के एक और थर्मोस्टेट उसमें लगा होता है, उसके फर्स्ट टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल से आउटपुट ले लेते हैं। जो दूसरा टर्मिनल होता है वो क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट पे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से आपका जो फेस वाला वायर है, दोनों थर्मोस्टेट के स्विच से होके हीटिंग एलिमेंट तक पहुंच जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका एक जो थर्मोस्टेट स्विच है वो ख़राब हो जाता है, तो दूसरा उसमें आपका काम करता रहेगा और आपके यहाँ कोई फॉल्ट नहीं होगा। पानी ज़्यादा उबाल, आपके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पानी खोलेगा नहीं। तो इस तरीके से इसमें करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो हीटिंग एलिमेंट के बगल से हम क्या करते हैं, न्यूट्रल देते हैं ग्रीन इंडिकेटर को, ताकि जब आपका थर्मोस्टेट स्विच ऑन करे हीटिंग एलिमेंट को, तो वो आपका ग्रीन लैंप इंडिकेटर की तरीके काम करेगा और वो आपको शो करेगा, उसमें दिखाई देगा कि हाँ आपका पानी गर्म हो रहा है गीज़र में। अब क्या करना है, जो दूसरा इंडिकेटर है इसको हमें इस कंडीशन में लगाना है कि जब आपका कट ऑफ हो जाए, क्या हो जाए, कट ऑफ हो जाए, तब ये आपका आपका थर्मोस्टेट क्या कर दे, कट ऑफ कर दे, तब ये आपका रेड इंडिकेटर जले। रेड इंडिकेटर जब जलेगा तो ये दिखाएगा वहाँ पे कि हाँ यहाँ पे सप्लाई की उपस्थिति है। जैसे कि आप एक बोर्ड में देखते हैं, अगर रेड इंडिकेटर जलता है तो ये पता चलता है कि लाइट आ रही है, ठीक है। तो तब आपका क्या जलेगा, रेड इंडिकेटर जलेगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक गीज़र की वायरिंग को वेरी सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। और इसी तरीके से अगर आपको वीडियो कनेक्शन या सर्किट डायग्राम के देखने में अच्छे लगते हों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरीके का वीडियो देखने में अच्छा लगेगा, और हम उस तरीके का वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।